राधे राधे। मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि महिलाओं द्वारा जैसे पुरुषों के पैर छुए जाते हैं, हाँ, तो पुरुषों के द्वारा महिलाओं के पैर क्यों नहीं छुए जाते हैं? बहुत अच्छा। तो कह रहे छोटा सा प्रश्न, क्योंकि क्योंकि हम महिलाओं को जैसे नवरात्रि होती है, देवियां हैं, करवा चौथ के दिन भी महिलाओं पति के प्रति सब व्रत करती हैं, सब काम करती हैं, रात को शाम को जब व्रत खोलने को होता है तो पैर भी छूती है, सब काम होता है, तो महिलाओं द्वारा तो पुरुष को पैर छुए जाते हैं, पुरुषों द्वारा महिलाओं के पैर क्यों नहीं छुए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। पाप लगे। अब देखो बेटा कह रहा था कि छोटा सा प्रश्न है। शांति शांति। छोटा सा नहीं है ये, इतना बड़ा है कि हम ज्यादा बोले तो महिला आयोग में शिकायत पहुंच जाए। तो नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो हंसने की बात है। देखिए ऐसा है, सब महिलाओं से तो पैर नहीं पड़वाए जाते। यदि आप देखो, आपने महिला और पुरुष कहा है, पति पत्नी नहीं कहा है, ये बहुत अच्छा है, कम से कम हमें बोलने का रास्ता छोड़ दिया। मेरा कहने का वही तात्पर्य था कि जैसे वैवाहिक जीवन, नहीं पति पत्नी नहीं कहा तो हमें बोलने का रास्ता तो खुला है। महिला पुरुष में तो ये है कि हम अपने माँ की पूजा करते हैं, माँ की पैर पड़ते हैं, बेटी के पैर पड़ते हैं, और भी सभी नारियों को मातृभाव से देखते हुए हर नारी को हम माँ मान करके उनको प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? तो पुरुष जो है वो स्त्रियों को ज्यादा प्रणाम करता है। यदि आप अपेक्षाकृत उसका तुलनात्मक वो करें तो हम माँ को प्रणाम करते हैं, बहन को प्रणाम करते हैं, बेटी को प्रणाम करते हैं। कभी भी बेटे को प्रणाम पता नहीं करेगा, लेकिन बेटी को करेगा। हम बेटी को प्रणाम करते हैं, बहन हमारी हमसे छोटी हो या हमसे बड़ी हो, हम बहन को करते हैं, हम माँ को प्रणाम करते हैं, और माँ सदृश जितनी महिलाएं हैं उन तो सबको मातृभाव से प्रणाम करते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुरुष प्रधान समाज है और इसमें केवल पुरुषों की ही पूजा है, मातृशक्ति की ज्यादा पूजा है, मातृशक्ति की पूजा अधिक है। अब रही बात पति पत्नी की, तो यह एक व्यवस्था बना दी गई है। ऐसा नहीं है कि पत्नियां का दर्जा कोई छोटा हो, पति का दर्जा बड़ा हो, ऐसा नहीं है। यह एक मर्यादा बना दी गई है कि पति के प्रति वो अपना आदर प्रस्तुत करते हुए उनको प्रणाम कर रही हैं, पर उस प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि वो उनके अधीन है या उनके बसवर्ती है या उनके कोई गुलाम है, इस तरह से जैसे कई समय में कैसे माना जाने लगा था, ऐसा नहीं है। वैदिक काल से स्त्रियों को सदा पूज्य माना है और हमेशा नारियां पूज्य रही हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ति देवता, वहां देवता रमण करते हैं। तो स्त्रियों की पूजा के लिए कहां मनाए? स्त्रियों की सर्वत्र पूजा है, और हमारे सनातन में नारियों को जितना सम्मान दिया है उतना कहीं दुनिया में नहीं। नारी शिक्षा की बात भी यदि की जाए तो ऐसा नहीं कि नारी शिक्षा आज प्रारंभ हो गई, नारियों की शिक्षा बाधित तो हुई है मुगल काल में, क्योंकि मुगल काल में नारियों पर अत्याचार होने लगा, मुगलों की कुदृष्टि पड़ने लग गई, तो हमारी बहन बेटियों को लोगों ने स्कूल भेजना, विद्यालय भेजना बंद कर दिया। तो वो मुगल काल में स्त्रियों की, नारियों की जो शिक्षा थी वो बाधित हुई, लेकिन उसके पहले के युग में यदि हम चले जाएं, तो आज ये लोग, हम लोग एक कथा सुन रहे थे कि रुक्मणी जी ने एक चिट्ठी भेजी। तो अब आप ये बताइए कि यदि रुक्मणी जी पढ़ी लिखी नहीं होती तो चिट्ठी कैसे लिख देते, पत्र कैसे भेजते? रुक्मणी जी ने पत्र भेजा, मदालसा जैसी हुई, या एक से एक गार्गी जैसी, मदालसा जैसी कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हुई हैं और उन्होंने कितना बड़ी बड़ी विवेचनाएं की हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियों की शिक्षा हमारे वैदिक काल में नहीं थी या स्त्रियों को कभी पीछे रखा गया है। माताएं हमेशा पूजनीय थी, हैं और रहेंगी। ठीक है, समाधान हो गया है कि और कोई संदेह मन में है? नहीं, मेरा संदेह इस बात से है कि पति के द्वारा कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो कभी भी पूजा के समय महिलाओं के अपनी पत्नी के पैर छुए, पत्नी के द्वारा हमेशा होता है, मैंने अक्सर देखा ही। सामाजिक संतुलन बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बना दी। अब देखो ये कभी उनके पड़े और वो कभी इनके पड़े तो गड़बड़ हो जाएगी। एक व्यवस्था बना दी है कि पति की पूजा करें, क्योंकि पति को हमारे यहाँ परमेश्वर कहा है, पति देवता माना गया है, पता है परमेश्वर माना गया है, तो परमेश्वर के रूप में मान करके, पति को ही परमेश्वर के रूप में मान करके पत्नी उनको प्रणाम करते हैं और आदर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी का आदर नहीं हो, पत्नी का भी उतना ही समान अधिकार है और समान आदर है, लेकिन परमेश्वर मान करके पति की पूजा पत्नी करती है, और ये हमारे ऋषियों की व्यवस्था है तो चली जा रही है।